हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। ये बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। हाथ के अंगूठे में दर्द। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाथ के अंगूठे में दर्द क्यों होता है और आप कैसे उस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं सही होम्योपैथी मेडिसिन से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी मेडिसिन लक्षणों के आधार पर ही काम करती है। यहाँ हम जिन मेडिसिन के बारे में बताएंगे वो मुख्यतः हाथ के अंगूठे पर भी कार्य करती हैं। अपने लक्षणों को मेडिसिन के लक्षणों से मिलाकर ही मेडिसिन लें। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं, हर तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता। अब इस अंगूठे के दर्द के कारण क्या है? हमारे पूरे शरीर में हमारा अंगूठा ही सबसे ज्यादा मूवमेंट करने वाला ज्वाइंट है और साथ ही हमारा थंब ही हमारी डेली एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ज्वाइंट है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि अंगूठे का दर्द इतना पॉपुलर क्यों है। सामान्य तौर पर हमारे थंब पर CMC या कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट, जिसको हम बेसल ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, इस ज्वाइंट पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ये ज्वाइंट मेटाकार्पल बोन और रिस्ट की ट्रेपेजियम बोन से मिलकर बना होता है। इस ज्वाइंट के टेंडन्स और लिगामेंट में ही दर्द होता है। इसका पहला कारण है इंजरी और ट्रॉमा ऑफ द थंब, जैसे फ्रैक्चर या मोच दर्द का कारण है। थंब को मूव करने में परेशानी होती है, जिसको मेडिसिन टर्म में जैम्ड थंब भी कहा जाता है। इसका दूसरा बड़ा कारण है अंगूठे का हद से ज्यादा यूज करना, जिससे कार्टिलेज में सूजन आ जाती है। इसके अलावा अंगूठे के टेंडन्स में भी सूजन आ जाती है। अगला कारण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण भी अंगूठे में दर्द होता है। अगला कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक और कारण है अंगूठे में दर्द होने का। इसको हम CTS भी कहते हैं। CTS के लक्षणों में थंब पेन, चीटियां चलना, अंगूठा सुन्न पड़ जाना मुख्य है। CTS में हमारी मीडियन नर्व रिस्ट में ट्रांसवर्स लिगामेंट और कार्पल बोन के बीच में दब जाती है। कई बार देखा यह गया है कि CTS के कारण अंगूठा दूसरे अंगूठे की अपेक्षा पतला और कमजोर हो जाता है। और अंत में डॉक्टर हैमर द्वारा बताया गया कारण, जो कि उन्होंने जर्मन न्यू मेडिसिन में बताया। मॉडर्न मेडिसिन में CTS का कोई पक्का उपचार नहीं है, लेकिन सही होम्योपैथिक मेडिसिन से इस सिंड्रोम को भी परमानेंट खत्म किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें यूज होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वैसे तो होम्योपैथी की हर एक मेडिसिन इस रोग से छुटकारा दिला सकती है, लेकिन सही लक्षण मिलने पर ही। जब तक सही लक्षण नहीं मिलेंगे तब तक मेडिसिन असर नहीं करेगी। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि हाथ के अंगूठे पर बहुत अच्छा काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेडिसिन कहीं और काम नहीं करेंगी। इसका मतलब ये है कि प्रूविंग के दौरान इन दवाओं ने सारे शरीर के साथ साथ हाथ के अंगूठे पर भी बहुत अच्छा प्रभाव दिखाया। तो सबसे पहले मेडिसिन है अर्निका। इस मेडिसिन में मेन सिम्टम ये है कि रोगी दर्द वाली जगह को छूने नहीं देता। उसको छूने से डर लगता है कि कहीं बहुत तेज दर्द ना हो जाए। लोकल रूमेटिज्म, जो नमी और ठंड के प्रभाव में और बढ़ जाता है। मुख्य तौर पर ये मेडिसिन इंजरी में दी जाती है। अगर हाथ के अंगूठे का दर्द अंगूठे की इंजरी या अंगूठे के ओवर यूज के कारण हुआ है तो यह मेडिसिन बहुत ही लाभकारी है। दर्द में ऐसा लगता है जैसे चोट लगी हो। अगली मेडिसिन है ब्रायनिया। जरा सी हरकत से बहुत तेज दर्द, इसका मुख्य लक्षण है। अगर रोगी हल्की सी भी मूवमेंट करता है तो भयंकर दर्द होता है। दर्द के साथ साथ हल्का हल्का बुखार, दर्द की जगह सूजन, रोगी बिल्कुल हिलना नहीं चाहता। लेकिन जब एक जगह पड़े पड़े वह थक जाता है तो उसको हिलना ही पड़ता है। सूजन सिर्फ जोड़ तक ही नहीं बनी रहती बल्कि आसपास के हिस्से में भी फैल जाती है। इसके अलावा या तो बहुत अधिक प्यास या बहुत कम प्यास, मुंह में खुश्की, मुंह में कड़वापन, भूख की कमी, सफेद जीभ, कॉन्स्टिपेशन यानी कि लैट्रिन में खुश्की और बार बार पेशाब जाने की भी इच्छा हो सकती है। रोगी को ऐसा लगता है जैसे कि मांस हड्डी से छूट गया है। अगली मेडिसिन है कल्केरियाफोस। नम और ठंडे मौसम में इसका दर्द बढ़ जाता है। इसके दर्द का संबंध ठंड से है। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है दर्द गायब हो जाता है और जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है दर्द लौट आता है। गर्दन में जकड़न हो जाती है, दर्द यहाँ वहाँ घूमता फिरता है, कभी टेल बोन में, कभी हिप बोन में, कभी कभी पैरों में। मुख्य तौर पर सैक्रम से नीचे पैरों में दर्द दौड़ता रहता है। बारिश में भीग जाने से अत्यधिक दर्द, दर्द वाली जगह पर ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं। अगली मेडिसिन हमारे पास है लैकेसिस। जैसे ही रोगी सोता है दर्द शुरू हो जाता है। चुभने वाला, बींधने वाला दर्द, दर्द वाला हिस्सा अकड़ जाता है। इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली, रिस्ट पर भी सूजन आ जाती है। सूजन नीले रंग की होती है। ब्रैनी में सूजन लाल रंग की थी और लैकेसिस में सूजन हल्की नीले रंग की या बैंगनी रंग की होती है। पसीना आने से भी कोई आराम नहीं मिलता। दर्द खुली हवा में और गर्म नमीदार मौसम में दर्द बढ़ जाता है। कल्केरियाफोस में ठंडी नमीदार हवा से दर्द बढ़ जाता है और लैकेसिस में जस्ट इसका उल्टा है, गर्म और नमदार हवा से दर्द बढ़ जाता है। सोने के बाद, मेहनत करने के बाद और शाम को तकलीफें बढ़ जाती हैं। इस मेडिसिन में अधिकतर कंप्लेन बॉडी की लेफ्ट साइड
होती है। अगली मेडिसिन ऑक्सैलिक एसिड। जैसे ही रोगी अपने रोग के बारे में सोचता है, रोग बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको अंगूठे में दर्द नहीं है, और जैसे ही वो दर्द के बारे में सोचता है, उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। एक ही स्पॉट में भयंकर दर्द, दर्द के समय सुनपन, कमजोरी। इसका एक लक्षण है कि मीठा खाने से दर्द में आराम मिलता है। अगली मेडिसिन है सैंग्यूनेरिया। घूमने फिरने वाला दर्द, अंगूठे के जोड़ में कुलने वाला दर्द, जैसे कि कोई फोड़ा कुल रहा हो। मुख्यतः सीधे हाथ के अंगूठे में दर्द होता है, अंगूठा सूजा हुआ होता है, और ये दर्द अंगूठे के जोड़ से कलाई और हाथ के पिछले हिस्से तक फैल जाता है। कई बार दर्द अंगूठे से गायब होकर हार्ट में चला जाता है, जिससे कि हार्ट में चुभन होती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। इस मेडिसिन में अनोखा लक्षण ये है कि दर्द वाली जगह को छूने से दर्द वहां से खत्म होकर कहीं और चला जाता है। गर्दन और कमर अकड़े रहते हैं। इस मेडिसिन में मुख्यतः राइट शोल्डर, राइट डेल्टॉइड में पेन होता है। जहां मांस कम है, उन हड्डियों में दर्द ज्यादा होता है। लंबा सांस खींचने के बाद दर्द होता है, और रात को करवट बदलने पे दर्द होता है। अगली मेडिसिन है स्पॉन्जिया। फिंगर टिप सुन रहते हैं, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी सुन रहती है, थाइज सुन और ठंडी रहती है। साथ ही दिल में ऐसी धड़कन होती है कि बाहर तक आवाज आए, और कपड़े के बाहर भी धड़कन को महसूस किया जा सकता है। तो हमने इस वीडियो में जितनी भी मेडिसिन के बारे में जिक्र किया है, इन मेडिसिन को लेने का तरीका आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहे। मेडिसिन को खाने का तरीका आप इस लिंक पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ बताए गए मेडिसिन के अलावा भी होम्योपैथी में हजारों ऐसी दवाइयां हैं जो आपके रोग को ठीक कर सकती है। सभी के बारे में यहाँ बता पाना पॉसिबल नहीं है। जो मुख्य मेडिसिन है, सिर्फ उन्हीं का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। अगर आप अपने किसी भी रोग के बारे में कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट करने का तरीका देख सकते हैं।